हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर शाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम देख पा रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट केम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो हमारे एक है ना ओवरऑल जो नेशनलिज्म है ना, तो ये जो नेशनलिज्म की जो ये फीलिंग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सर ये जो वॉर्स होती है, जो ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन होते हैं ना, इसके कारण ही हमारे मनों में नेशनलिज्म नहीं आता सर। इसके और भी कई सारे कारण होते हैं। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। सर जो हम जब नेशन जो एक आइडिया पढ़ते हैं हम नेशन का, सर इस आइडिया में, सर इस आइडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका है? कल्चर का। सर कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? सर हमारी लैंग्वेजेस सेम है, हमारे कल्चर सेम है, उसके कारण हम बता पाते हैं कि सर ये जो नेक्स्ट जो हमारे सामने जो ये बंदा खड़ा है ना सर, ये हमारे जैसा है, ये हमारे इस नेशन का बंदा है। सर हम लोग कौन है? हम एक ही नेशन के रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं सर जो ये कल्चर है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। कहाँ इंपॉर्टेंस होती है सर? एक नेशन को क्रिएट करने में। फिर हम आगे चलते हैं, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो हम ये समझ चुके हैं सर कि जो नेशनलिज्म है ना, तो ये नेशनलिज्म जो है ये सिर्फ वॉर्स के कारण ही नहीं आता सर। वॉर्स के कारण सर, अगर जो हम अगर वॉर्स की बात करते हैं तो सर वॉर्स कितनी हो सकती, कितनी बार हो सकती, कितने दिनों तक के लिए हो सकती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। पर जो नेशनलिज्म है, आज इंडिया के अंदर सर किसी भी तरीके से रेवोल्यूशन नहीं चल रहा है, पर फिर भी हमारे मनों में क्या है सर? नेशनलिज्म है सर। हमारे मनों में एक नेशन के लिए प्यार है सर। ये ही तो फीलिंग है सर कि हम हमारे नेशन को फ्री रखना चाहते हैं, हम अपने लिए राइट्स चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट हम कंट्री चाहते हैं। तो ऐसे में सर हम ये समझ सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आज एक नेशनलिज्म की फीलिंग थी, तब ही जाके हम क्या हुए हैं? इंडिपेंडेंट हुए हैं। और आज भी हमारे मनों में सर ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो ये आज फिर से हमारी ये यादें ताजा हो जाती है। हमें लगता है सर कि जो नेशनलिज्म है आज भी वो हमारे भीतर है, कहीं ना कहीं आज भी हम इंडिया के अंदर जो ये नेशनलिज्म है इसकी फीलिंग को जगाए हुए हैं। क्यों जगाए हुए हैं सर? क्योंकि भारत हमारी क्या है? माता है सर। जो ये नेशन है, ये नेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और सर जब तक ये नेशन सिक्योर रहेगा, इस नेशन के लिए हम हमारे राइट्स को सर क्या कर सकते हैं? एक बार कुर्बान भी कर सकते हैं। पर ये जो नेशन है, इस नेशन के लिए सर ये जो नेशनलिज्म की जो हमारी फीलिंग है, ये हमेशा बनी रहेगी। तो आज हम देखते हैं सर आगे, तो सर हम ये समझ सकते हैं आर्ट एंड पोएट्री। सर जैसे कि है ना, कई सारे है ना पोएट्री बनाई जाती है, कई सारी पोएट्रीज बनाई जाती है, कई सारी स्टोरीज बनाई जाती है, कई सारे म्यूजिक्स बनाए जाते हैं, ताकि सर जो हमारा एक एक्सप्रेशन है, ताकि हमारा जो ये नेशनलिज्म है ना, इसकी फीलिंग को हम क्या कर सके? एक्सप्रेस कर सके। अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, इंडिया के नेशनलिज्म की, तो हम सर कभी भी ये नहीं भूलेंगे सर इसमें गांधी जी का कितना योगदान है, इसमें जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान है। तो सर हम ये समझ सकते हैं सर कि जो नेशनलिज्म है ना, नेशनलिज्म की जब भी हम बात करेंगे तो हम किन की स्टोरी सुना रहे होंगे? हम सुना रहे होंगे सर गांधी जी ने क्या किया था, सर गांधी जी ने आंदोलन किए थे, सर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि ये जो कल्चर है ना, इस कल्चर की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, आर्ट एंड पोएट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है, स्टोरीज की बहुत इंपॉर्टेंस है और म्यूजिक की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म ऑफ कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। सर देखो क्या होता है, एक फीलिंग होती है। फीलिंग क्या है? फीलिंग हम समझते हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर कौन थी? एक मोनार्की रूल कर रही थी। कौन रूल कर रही थी? एक मोनार्की हमारे ऊपर रूल कर रही थी। अब मोनार्की जब हमारे ऊपर रूल कर रही थी, तब हमारे लोगों को लगा, हम लोगों को लगा सर हमें ना इस मोनार्की को हटा के फेंकना होगा। क्यों फेंकना होगा सर इस मोनार्की को हटा के? क्योंकि इस मोनार्की के कारण क्या हो रखा है सर कि ऑल ओवर हमारे ऊपर जो हमारे जितने भी राइट्स है सर वो ले लिए गए हैं। हमारे राइट्स का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। इस मोनार्की ने हमारे सारे राइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये जो लोग हैं वो क्या कहेंगे कि सर कि अगर आपको हमारे ऊपर किसी भी तरीके से रूल करना है तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अब ये जो मोनार्की है वो मोनार्की मना कर देगी कि सर ऐसा नहीं हो सकता। अब सर ये जो लोग हैं ना सर, अब इन लोगों के मनों में क्या होगा? एक विद्रोह पनपेगा। इनको लगेगा कि सर हमें क्या करना चाहिए? इस मोनार्की को उठा के बाहर फेंकना चाहिए। तो सर हम इतना तो समझ चुके हैं सर, पर सर ये 3-4 लोग या फिर हम बात करते हैं 100, 200, 300 लोग, पर इन लोगों के मनों में ये था। अब यही जो फीलिंग है ना सभी लोगों के मन में आए सर, इसके साथ साथ यही फीलिंग इसी चीज के साथ, इसी एक है ना एक पैशन के साथ सब फॉलो करेगी सर हाँ सर हमें नेशनलिज्म की बहुत
जरूरत है। तो इसी को हम कह देते हैं सर रोमांटिसिज्म। अब इससे होता क्या है सर कि हमारा ओवरऑल क्या होता है, हमारा जो नेशनल फीलिंग है ना, हम उसे क्या करते हैं रोमांटिसाइज करते हैं। इससे हमारा ओवरऑल नेशन के लिए जो प्यार है ना वो बढ़ता है। फिर हम आगे देखते हैं, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशन इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं सर, जो रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोएट्स होते हैं ना, वो जनरली जो ये साइंस वाय होता है ना, इसको साइड में कर देते हैं कि सर जो साइंस है सर, जो ये रीजंस है, जो ये फैक्ट्स है सर, होते होंगे सर, पर ये जो ग्लोरिफिकेशन कर दिया ना कि सर कि यही है सर, ये रीजंस और ये जो साइंस है बस यही है, ये गलत है सर। इसकी जगह पे सर हम बात करते हैं सर किसकी, इमोशंस की। इमोशंस का भी अपने लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेस है सर, हमारे इंट्यूशंस की सर, हमारे मिस्टिकल फीलिंग्स की। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा रीजन साइंस वगैरह सबको क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, और उसकी जगह वो क्या लेके आते हैं, भावनाएं लेके आते हैं, इमोशंस लेके आते हैं, इंट्यूशंस लेके आते हैं। फिर हम देखते हैं देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ताकि वो क्या बना सके, उनके ये जो एफर्ट्स है ना वो क्यों है, ताकि वो क्रिएट कर सके एक सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज की सर हमारा जो हेरिटेज है सर, हमारा जो कल्चर है सर, वो कैसा है, एक जैसा है। उस उन लोगों में ये फीलिंग आनी चाहिए कि सर हम लोगों ने इसको सेम एकदम है ना, हम लोगों के लिए वो क्या है, सेम है, हम लोग इसको सेम एक है ना, सेम वे में हम उसे क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अ कॉमन कल्चर पास एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। तो सर हम ये समझ चुके हैं कि सर एक जो कॉमन कल्चर जो पास्ट है सर, हम सभी लोगों का क्या रहा है, एक कल्चर पास्ट रहा है, और वो कैसा रहा है, कॉमन रहा है। तो सर ये जो फीलिंग है कि सर ये हम लोग एक हैं, ये जो फीलिंग है ये इंपॉर्टेंट है क्या बनाने के लिए, एक नेशन बनाने के लिए, एक नेशन के लिए क्या है, ये एक आधार है। फिर हम आगे देखते हैं अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हैड 1744 टू 1803 क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल दास वॉल्फ। तो ये हम समझते हैं सर, एक जर्मन फिलोसोफर थे जोहान सर, जो जोहान थे उनका ये मानना था सर कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है सर, हम बात कर रहे हैं जर्मन कल्चर की, तो सर जो ट्रू जर्मन कल्चर है ना सर, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा, हम उसे कहाँ डिस्कवर करेंगे सर, कॉमन पीपल के बाद में। सर हम ये समझ सकते हैं सर कि जो कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, उसी में ही हम जर्मन कल्चर को देख सकते हैं सर। जैसे कि हम बात करते हैं सर हमारे जो टाउन्स है सर, जो हमारे टाउन्स है और एक हमारे जो गाँव है, अगर सर हमको हमारा कल्चर देखना, हमें हमारा कल्चर देखना है, तो उसके लिए हमें हमारे शहरों में नहीं, हमें हमारे गाँव में जाना पड़ेगा, ताकि हम समझ सके सर हमारा कल्चर क्या है सर, आखिर हमारे कौन से रीति रिवाज हैं सर, ऐसी कौन सी बोलियां हैं, कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिसे हमें यूज करना चाहिए, जिसके जिसे हमारे जो हमारे विलेजेस में रहने वाले लोग हैं यूज किया करते हैं, जिन अतिथियों का हम सम्मान करते हैं सर। ये जो फीलिंग है ये आई कहाँ से सर, ये विलेज से ही तो आई है सर, ये जो संस्कार है सर ये कहाँ से आए, सर हमारे गाँव से आए। फिर हम आगे देखते हैं, इट वॉज थ्रो फोक सॉन्ग्स, फोक स्टोरी, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉक दिस वॉज पॉपुलराइज। तो सर जब हम बात करते हैं सर हमारे एक है ना सेंस ऑफ बिलोंगिंग की, जब हम बात करते हैं कॉमन हमारे पास्ट की, तो हम बात करते हैं सर हमारे फोक सॉन्ग्स की सर, जो हमारे लोक रीति रिवाज है, लोक जो हमारे नृत्य हैं, लोक जो हमारे गाने हैं, सॉन्ग्स है वगैरह है ना सर, हम इनकी बात कर रहे होते हैं सर, क्योंकि हम एक है ना ट्रू जो फीलिंग है ना सर, आज कभी भी एक चीज याद रखना बच्चा, जब भी हम हमारा जनगण मन गाएंगे ना सर, हम इसे दिल से फील करेंगे, पर कभी भी जब हम अमेरिका का जो नेशनल एंथम है वो गाएंगे सर, हमें उसका फीलिंग ही नहीं आएगा। क्यों फीलिंग नहीं आएगा सर, क्योंकि हमारी जो भाषा है, हमारी जो लैंग्वेज है सर, वो कौन सी है, हमारी भाषा जो है वो है देवनागरी हिंदी। तो जब तक हम इसको नहीं बोलेंगे, जब तक हम इसे फील नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे फील कर सकते हैं हमारा ऑल ओवर कल्चर। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है सर, जो हमारा बेस है सर, जो हमारा फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक पोएट्रीज होती है, फोक डांसेस होते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तभी आपने देखा होगा सर, इनके लिए कई बार जो है ना गवर्नमेंट्स होती है ना, वो फंड्स एलोकेट करती है, ताकि इनका क्या हो सके, ओवरऑल प्रमोशन हो सके। फिर हम देखते हैं, so collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of national बिल्डिंग। सर जब तक हम इन्हें कलेक्ट करते रहेंगे, इन्हें रिकॉर्ड करते रहेंगे सर, जरूरी नहीं है कि ऑल ओवर जो फॉग जो ये होते हैं ना, पार्टिसिपेंट्स होते हैं या फिर जो इनके मेंबर्स होते हैं ना, इन्हें ही बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा पूरे नेशन को सर। जैसे कि हम बात करते हैं राजस्थान की, जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं घूमर की सर, हम बात करते हैं हमारे नए नए नृत्यों की, गैर की, कई सारे ऐसे है ना हमारे पास डांसेस है जो सर कहीं पे भी पूरे इंडिया में कहीं नहीं किया जाते। जैसे गुजरात का गरबा है सर, ये तो सबको पता है। तो सर जो गुजरात का जो
गरबा है ना, सबको पता है सर, गुजरात का एक कल्चर है, वो क्या है, वो वहाँ का डांस है, और वो सर डांस क्या है, वो गरबा है। तो ऐसे में हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी, एक नेशनल आइडेंटिटी बन जाती है। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. तो हम समझ सकते हैं सर, जो हमारा all over जो ये vernacular languages है ना सर, जो हमारी खुद की जो languages है वो, और इसके साथ साथ सर जो हमारा collection है, किसका collection सर, local folk लोगों का जो हमारा collection है सर, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सर ancient national spirit को जगाए रखने के लिए, maintain करने के लिए ही जरूरी नहीं है। इसका सर काम क्या है सर, इसका काम है ताकि ये nationalist messages को क्या कर सके, deliver कर सके। deliver कैसे करेगी सर, जो nationalist message है सर, nationalist का message है क्या, कभी WhatsApp पे आपके पहुंचा किसी nationalist का message? तो जैसा है कि हम समझ पा रहे हैं कि nationalist का एक message क्या हो सकता है सर, ये message होता है सर कि आपको अपने देश के लिए क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आपको अपने देश के लिए क्या करना है, कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये सर आपकी जो ये त्याग की जो फीलिंग है, ये जो फीलिंग है ना सर कि हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं हमारे नेशन के लिए सर, ये सारी जो फीलिंग है ये कब आएगी, जब हमारे में क्या होगी, नेशनल स्टेट होगी, जब हम इस देश को अपना मानेंगे, इस कल्चर को अपना मानेंगे। कभी भी अपने कल्चर से सर हमें है ना हेट नहीं करना चाहिए कि हाँ सर हो सकता है थोड़ा वियर्ड हो सकता है थोड़ा अलग हो, पर हाँ सर अलग तो है, पर ये है क्या, ये हमारा कल्चर है। फिर हम आगे देखते हैं, और सर ये ऐसा करते क्यों है, नेशनलिस्ट ऐसा करते क्यों है, ताकि जो मोस्टली इलिटरेट पीपल है ना सर, देखो हम इलिटरेट पीपल को कैसे समझा सकते हैं, जिन्हें राइट्स का पता नहीं है, जिनका लॉस को पता नहीं है, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं है। आज अगर हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लोग एक जैसा ही मानते, जबकि ऐसा नहीं होता। तो जब हम बात करते हैं सर इलिटरेट की, तो सर इलिटरेट को कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे में सर उन्हें कैसे बताया जाए कि सर ऐसी चीजें होती है, जब तक उन चीजों को, जब तक उनके आसपास की चीजों, जब तक उनके फॉग लोर्स को जब तक उनको नहीं बताया जाएगा, उसके थ्रू उनमें नेशनलिज्म नहीं जगाया जाएगा, तब तक सर हम नेशनलिज्म की फीलिंग ऑल ओवर तक, ऑल ओवर जो हमारा कंट्री है वहां तक नहीं ले जा पाएंगे। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। जब हम बात करते हैं सर, हम बात कर रहे हैं पोलैंड की। अब सर पोलैंड का क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के अंदर क्या किया था सर, 18th सेंचुरी में उसको ओवरऑल पार्टीशन कर दिया था। किसने किया था, ग्रेट पावर्स ने किया था। और ग्रेट पावर्स कौन थी सर, वही ग्रेट पावर्स थी सर जिन्होंने किसको डिफीट किया था, जिन्होंने डिफीट किया था किसको, नेपोलियन को। और जब हम बात करते हैं रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया की, इन थ्री ग्रेट सुपर पावर्स ने क्या किया है, पोलैंड को पार्टीशन किया था। फिर हम आगे देखते हैं, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। सर जो हमारा जो पोलैंड है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर वहाँ के लोगों ने उस टाइम पीरियड में नेशनल फीलिंग्स को, जो हमारे सॉन्ग्स हैं, जो हमारी लैंग्वेजेस उस टाइम के वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेजेस है, सॉन्ग्स हैं, उससे उन्होंने उस लैंग्वेज को, उस पोलैंड के कल्चर को अगर बचाया नहीं होता ना, तो आज पोलैंड हमारे सामने नहीं होता। फिर हम आगे देखते हैं, कार्लोस कार्पिनिस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास एंड म्यूजिक टर्निंग फोक डांसेस लाइक दी पोलोनाइज एंड मजूरका इंटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। तो जैसे कि हम बात करते हैं सर कारोल की, सर कारोल ने क्या किया था, कारोल ने सेलिब्रेट किया था नेशनल स्ट्रगल को, और उन्होंने ऐसा इस नेशनल स्ट्रगल को कैसे सेलिब्रेट किया था सर, उन्होंने सेलिब्रेट किया था ओपेराज और म्यूजिक के थ्रू। उन्होंने क्या किया सर, जो फोक डांसेस है ना उनको कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि हम बात करते हैं सर पोलोनाइज की, जैसे कि हम बात करते हैं मजूरका की, उन्होंने इनको किस में कन्वर्ट कर दिया था, नेशनल सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो हम ये समझ सकते हैं वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसे क्या मान लिया, एक नेशनल सिंबल मान लिया। और सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर, उन्होंने किसे कन्वर्ट किया था, ओपेराज म्यूजिक फोक डांसेस को किस में कन्वर्ट किया था, नेशनल सिंबल में उन्होंने क्या किया था, उसे कन्वर्ट किया था। फिर हम आगे देखते हैं, लैंग्वेजेस टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिज्म सेंटीमेंट। तो सर इसके अलावा हम देखते हैं सर लैंग्वेजेस, अभी तक हम बात कर रहे थे इलिटरेट की, अब हम बात करते हैं लिटरेट की। तो सर जब भी कभी हम बात करते हैं ना लिटरेट की, तो सर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम ये समझ सकते हैं सर, जब तक हमारी लैंग्वेजेस एक नहीं होगी, जब तक ओवरऑल जब तक जो हमारी जो भाषा है वो एक नहीं होगी, जब तक हमारी फीलिंग कैसे एक हो सकेगी। इसके लिए जरूरी है सर जो हमारी लैंग्वेज हो वो क्या हो, एक हो। जब भी हम बात करते हैं सर ब्रिटेन की, तो हम बात करते हैं ब्रिटेन वाली इंग्लिश की, सबके एक्सेंट अलग अलग हैं। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं सर, जब भी हम बात करते हैं इंडिया की, तो सर जो इंडिया है ना वो डिवाइड हो रखा है सर। इंडिया कैसे डिवाइड हो रखा है, इंडिया में एक जो नॉर्दर्न, एक जो नॉर्दर्न रीजन है, वहाँ क्या बोली जाती है, वहाँ बोली जाती है
हिंदी सर, हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है? हिंदी। पर जो हमारी एक लैंग्वेज और भी है जिसका नाम है सेकेंडरी लैंग्वेज हमारी, वो कौन सी है? इंग्लिश है। और वो कहाँ बोली जाती है? जो हमारा साउथ है। तो हम समझ सकते हैं सर ऊपर क्या है हिंदी है, नीचे क्या है साउथ है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं सर ऑल ओवर हमारा जो जो हमारा कंट्री है वो किसमें डिवाइड हो रखा है? हिंदी इंग्लिश में डिवाइड हो रखा है। फिर हम आगे चलते हैं। After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. जब रशियन ने इसे ऑक्यूपाई किया, जब रशियन ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया, तो उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को क्या किया? स्कूल्स से हटा दिया। और स्कूल्स में कौन सी लैंग्वेज उन्होंने शुरू करवा दी? उन्होंने रशियन लैंग्वेज वहां पे शुरू करवा दी। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? ताकि वो अपने कल्चर को क्या कर पाए? ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर पाए। अब हम बात करते हैं 1831 की। अब 1831 में क्या सीन था? अन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टू प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली। अब होता क्या है 1831 में? एक तो हमने देख चुके, अब तो एक तो हम देख चुके जुलाई 1830 का हम फ्रांस बनाता तो देख चुके। अब हम बात करते हैं 1831 में क्या हुआ? एक आर्म्ड रिबेलियन शुरू होता है। आर्म्ड रिबेलियन का क्या मतलब है? उनके हाथों में क्या थे? आर्म्स थे। और वो क्या कर रहे थे? रिबेल कर रहे थे, बागी बन गए थे। अब ऐसे में उन लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया, एक रिबेल शुरू किया। किसके खिलाफ शुरू किया? रशियन रूल के खिलाफ उन्होंने एक रिबेल शुरू किया, जो अल्टीमेटली क्या कर दिया गया? क्रश कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं सर वो एक ग्रेट पावर थी, इसी के कारण वो इजिली उसको क्या कर सकी? क्रश कर सकी। फिर हम आगे देखते हैं। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. तो जैसा कि हम समझ सकते हैं सर, उस टाइम के जो क्लर्जीज थे, उन क्लर्जीज ने क्या किया? जो उस टाइम की जो पॉलिश जो लैंग्वेज है ना, पॉलिश लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज किया, ताकि वो क्या बना सके? एक नेशनल रेजिस्टेंस बना सके। अब ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा उन्होंने क्यों किया? जब भी हम बात करते हैं वहाँ के लोगों की, तो ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि सर वो बचा पाए अपने कल्चर को, और इसी के साथ साथ सर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है सर, जो की जो फीलिंग है उसको क्या कर पाए? स्प्रेड कर पाए। पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिबेलियस एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो हम समझ सकते हैं सर जो पॉलिश है ना, पॉलिश लैंग्वेज को कहाँ यूज किया जा रहा था? चर्च की गैदरिंग्स में उसे यूज किया जा रहा था, उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में यूज किया जा रहा था। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि ऑल ओवर, जैसे कि हम बात करते हैं सर कि जो रशियन है, रशियन ने क्या किया? जो स्कूल्स में से तो सर उन्होंने क्या किया? पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया था सर, पर फिर भी जो हमारे जो क्लर्जीज थे उन्होंने क्या है? चर्च की गैदरिंग्स में, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पॉलिश जो लैंग्वेज है उसको यूज करना शुरू रखा। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रेस एंड बायोस्पर्स एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। तो हम समझ सकते हैं सर जो पॉलिश लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे उसके कारण उन्हें पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट क्यों मिली? क्योंकि सर वो क्या कर रहे थे? वो उनकी जो गवर्नमेंट है उस टाइम जो ऑक्यूपेशन चल रहा था, रशियन ऑक्यूपेशन, उस रशियन ऑक्यूपेशन के वो खिलाफ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि रशियन ऑक्यूपेशन कह रहा था कि अगर आपको किसी भी तरीके से गैदरिंग करनी है, किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी? उसके लिए आपको रशियन लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। और पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को यूज करना जारी रखा। इसी के कारण वहां की जो अथॉरिटी थी, उस टाइम की जो रशियन अथॉरिटी थी, उन्होंने एज अ पनिशमेंट उनको जेल में भेज दिया। फिर हम आगे देखते हैं, जो जेल था वो कहां था सर? साइबेरिया में था। फिर हम आगे देखते हैं, द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो हम ये समझ सकते हैं सर जितना ज्यादा उन्होंने इस पॉलिश लैंग्वेज को यूज करने से रोका, उतना ही ज्यादा सर ये जो पॉलिश लैंग्वेज है ना, ये एज एन वेपन के रूप में उनके सामने आने लग गई थी। क्यों आने लग गई थी सर? क्योंकि लोगों को लगने लग गया था सर कि गवर्नमेंट को इससे क्या है? प्रॉब्लम है। अगर हम हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी पॉलिश लैंग्वेज है, उसको अगर एज एन हम सिंबल यूज करेंगे, तो हमारा जो ऑल ओवर जो मूवमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और हम है ना किसके अगेंस्ट में स्ट्रगल कर सकेंगे? हम रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में हम अच्छे से स्ट्रगल कर सकेंगे। तो बच्चा आज के इस टॉपिक में ना, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।